मुझे एक्चुअली अच्छी फिल्म लग रही है, मुरारी द मैड जेंटलमैन, और सारे अच्छे एक्टर्स हैं, असरानी जी है और नए लड़के भी बहुत अच्छे हैं, और डायरेक्टर सुजात इज़ वेरी गुड आई थिंक सो। जिस हिसाब से उन्होंने कम बजट में एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है जो दिखाई दे रहा है, तो मैं यही कहूँगा जनता से कि फिल्म छोटी बड़ी नहीं होती, अच्छी या बुरी होती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फिल्म को बिना देखे आप कभी भी जज ना करिए सुन के किसी की, तो प्लीज़ आप जाइए और ऐसी फिल्मों को सराहिए और देखिए ताकि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और डायरेक्टर खड़े हो सके। My life. I enjoyed a lot with the group, with the team of the movie, and the movie is gonna be great. So I'm happy. My character is very good girl, which has right visions in her life. She's foreigner, which came to India for the first time. So she fell in love with a simple guy. And she's showing to the world the message that इस मूवी में मैंने मोहिनी का कैरेक्टर किया है जो गांव की लड़की है बट बहुत ज़्यादा बोल्ड है, ना कि ड्रेसिंग से इसे बट एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा बोल्ड है, जो कि मुखिया के बेटे से उसे प्यार होता है। और मुखिया का बेटा मतलब बहुत सिंपल सादा सा लड़का, बट ये फ्लर्ट भी करती है और प्यार भी करती है उसके। सो आपने तो देखा ही होगा, खैर बहुत नॉटी है। जबकि एक सीन बताऊंगी मैं कि हमें रंगे हाथ पकड़ा जाता है, मुझे और मुखिया के बेटे को। मुझे बहुत मार भी पड़ती है, फिर भी जब पूरा माहौल शांत हो जाता है तो मैं जस्ट लाइक उसे ऐसे करके यू नो दैट काइंड ऑफ रोल, जो इतना जिसको बाहरी दुनिया के का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है लेकिन वो उन लोगों के लिए काम करना चाहता है जो उसके आसपास हैं, जो उसको दिखते हैं कि ये परेशानी में है, इनको मेरी ज़रूरत है, तो इस तरह का एक चरित्र है।